नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशन हब। टुडे इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर अमेंडमेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आज है आपकी 10th of July 2020। आप सभी का दिन मंगल में हो, इसी कामना के साथ सेशंस को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज और कौन कौन सी न्यूज इम्पोर्टेंट है वह अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, एवरी डे मॉर्निंग्स में क्लास होती है, रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, प्लीज सेशंस को रेगुलर देखिए, एवरी डे वीडियो देखिए, गारंटी है जी क्या इतना अच्छे आपका प्रिपेयर होगा। ओके, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, CHSLs के लिए, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत आपको बेनिफिट्स देके जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको हेल्प करेगा। ओके, एंड नीचे एक ब्लैक कलर्स में मैंने नोट्स दिया है, आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स अगर आपको डाउनलोड करना है, माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर्स अगर आपको चाहिए, राइट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी न्यूज़पेपर्स आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन का क्लिक, सब्सक्राइब बटन जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, तो उस बटन पर जरूर क्लिक करें। देन वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बता दे चलूं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करते हैं एक होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, एक होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने कल दिया था, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, टॉप लेवल न्यूज, राइट, टॉप लेवल न्यूज जो आपके न्यूज पेपर्स के माध्यम से न्यूज बनते हैं। थर्ड पोजिशन रहेगा इम्पोर्टेंट आपकी क्वेश्चंस, राइट, टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। फोर्थ पे रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, ये आपको आंसर्स देना है कमेंट बॉक्स में, इसका डिस्कशन होगा कल के डेट में, क्लियर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होगा, गारंटी आप पूरा देखेंगे, आपको खुद को लगेगा, एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मेरे चैनल्स पे ओनली 4 क्वालिटी मिलेगी आपको। ओके, देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, विच बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू बन इंश्योरेंस। ओके, तो याद रखिएगा किस बैंक के साथ स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, हाथ मिलाए हैं, टाइप किया है, तो वह बैंक है, दैट इज द करूर वैश्य बैंक। आई होप आपने आंसर दिया होगा, नहीं देते तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज रेगुलर आंसर दीजिए, एवरीडे आंसर दीजिए क्वेश्चन जो आपको देता हूँ, तभी आप जीके में इतना अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, तो करूर वैश्य बैंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। किस किस के साथ? स्टार हेल्थ के साथ और एडाइस इंश्योरेंस दोनों के साथ करूर वैश्य बैंक ने हाथ मिलाया, टाइप किया है, साझेदारी की है। ओके, करूर वैश्य बैंक एक कॉमर्शियल्स बैंक है, हमारी रेस्पॉन्स, राइट, इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, राइट, एंड 1916 इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, और इसका जो एक कॉमर्शियल्स बैंक है तमिलनाडु में, इसका हेडक्वार्टर है, 1916 में इसका फाउंडेशन ईयर है, फॉर्मेशन ईयर है, राइट, करूर वैश्य बैंक का, याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने अभी तक पढ़ाई है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर अभी तक, यानी कि टिल द 10th of July तक, इन 10 दिनों में कौन कौन सी बुक अपन ने पढ़ ली है, उन सभी का एक साथ रिविजन कर लेते हैं। एक बुक पढ़ी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट सेविंग्स द इंडियन सर्वर इंडियन सेवर, राइट, ये बुक लिखी गई थी उर्जित पटेल जो कि गवर्नर थे, 24th गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, अपने RBI के, राइट। तो उसकी बुक का नाम याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके,
एंड एक बुक और थी आरसी भार्गव, राइट, आरसी भार्गव, इन्होंने बुक लिखी थी गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रोटेक्शनर्स गाइड फॉर इंडिया, राइट, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आई रिपीट अगेंस्ट, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रोटेक्शनर्स गाइड फॉर इंडिया, राइट। आरसी भार्गव आपको मालूम होना चाहिए, यह मारुति सुजुकी, राइट, जो मारुति सुजुकी है इसके चेयरपर्सन से इन्होंने लगभग अपना जो अनुभव है 60 सालों का, यानी कि 60 इयर्स का इनका अनुभव है इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने शेयर किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बुक से लिखी गई थी कल की मैंने डिस्कशंस किया था इस पर्टिकुलर का, महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड, राइट, यह पुस्तक लिखी है रूपा श्री कुमार एंड ए के श्री कुमार, राइट, इन दोनों राइटर्स ने, पति पत्नी है दोनों, हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड। ये एक जसवंत सिंह की कहानी है जो 1962 में जो इंडो चाइना ये बैटल हुआ था उसमें इनका निधन हुआ था। इनकी बहादुरी लगभग 72 आवर्स इन्होंने अकेले संघर्ष किया था, अकेले सैनिक सेना से लड़े थे, राइट, तो उन्हीं के बेसिस पे इनको ये एक तरह से महावीर चक्र दिया गया था, राइट, उन्हीं के नाम पर ये पुस्तक है महावीर, राइट, याद रखिएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों बुक्स में से अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हैं, आपको सेना के बारे में पढ़ना इच्छुक है, राइट, ओवरड्राफ्ट बैंकिंग के सेक्टर्स में आपको पढ़ना इच्छुक है, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, आप टाइप कर सकते हैं सर हमको परचेज करनी है ये बुक, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज बुक ईजिली कर सकते हैं, राइट, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सी भी बुक ले सकते हैं, पर्टिकुलर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीनों पढ़ना चाहते हैं तीनों भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे, एंड बिफोर दैट अगर यहाँ तक अगर आपको चैनल्स में वीडियो में कोई भी चीज़ में डाउट्स हो कि हाँ सर इसमें मेरे को डाउट्स है तो टाइप करें कमेंट बॉक्स में, अगर कोई डाउट्स नहीं हो समझ में आ रहा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल्स को भी। फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो सुपर इंपॉर्टेंट मान कीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस छप गया, ये समझ लीजिए प्रिंट हो गया है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, 750 मेगावाट्स का सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि आपकी रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में इसका इनॉग्रेटेड होगा। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका इनॉग्रेटेड यानी कि शुभारंभ किया जाएगा, राइट, शुभारंभ किया जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 750 मेगावाट से माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर मेगा प्रोजेक्ट है वो आपका मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित किया जाएगा, राइट, इसके माध्यम से बिजली कंपनियों को बिजली दी जाएगी, राइट, अलग अलग सेक्टर्स में बिजली वहाँ पर एक तरह से सोलर के माध्यम से बिजली उत्पन्न करके अलग अलग सेक्टर्स में दी जाएगी। ओके, तो इसका उद्घाटन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि फर्स्ट एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कितना मेगावाट का है, तो 750 मेगावाट, राइट, 750 मेगावाट। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन इसका इनॉग्रेटेड यानी शुभारंभ किसने किया, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, ओके, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, यह भी इस समय मौजूद रहेंगी, राइट, आनंदीबेन पटेल एंड शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हो गए। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक, तो समझ में आया थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, और भी मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल्स में अपन डिस्कशंस कर सकें, बट बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ मध्य प्रदेश के जानने के बारे में है, पर्टिकुलर एक वीडियो में पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के बारे में आपको साथ डिस्कशंस कर चुका हूँ, उसने कोरोना के खिलाफ क्या क्या डिस्कशंस लिए हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, राइट, कौन कौन से पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थान है, राइट, ये सब कुछ आप नोट करते चलिए, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ओके,
नेक्स्ट आपके सामने है केवीबी यानी कि करूर वैश्य बैंक इन टाई अप विथ टाटा मोटर्स फंड व्हीकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली। केवीबी यानी कि करूर वैश्य बैंक जिसका हेडक्वार्टर है आपकी तमिलनाडु में, राइट तमिलनाडु, एंड 1916 को इसकी स्थापना हुई थी करूर वैश्य। अलग अलग राज्य में इसकी ब्रांचेज हैं, राइट। इन्होंने टाइप किया यानी कि साझेदारी की हाथ मिलाया है टाटा मोटर्स के साथ, राइट टाटा मोटर्स के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। अभी पढ़ के आए थे अपन स्टार इंडिया के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था, राइट। चीज को नोट करते चलिए एक एक पर्टिकुलर को, ओके। नेक्स्ट न्यूज है आपकी इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नेगेटिव सेंस में बाय 3% फाइनेंशियल ईयर्स 21 बोफा के माध्यम से। बोफा एडवांस बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 3% नेगेटिव में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। S&P की क्या है, IMF की क्या है, वर्ल्ड बैंक की क्या है, ADB की क्या है, मूडीज की क्या है, इंडिया रेटिंग की क्या है, केयर रेटिंग की क्या है, ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना इन पर्टिकुलर सबका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, राइट। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें एंड बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका, राइट। इनकी भी आपको रेटिंग्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ओके, अपने रिविजन्स के लिए, क्लियर। जैसे देखिए सपोज कीजिए मूडीज है, मूडीज ने फोरकास्ट की थी अपनी ग्रोथ रेट 3.1%। इंडिया रेटिंग है उसने फोरकास्ट की थी 5.3% सॉरी फॉर दैट 5.3% इंडिया रेटिंग ने, ओके। ADB ने फोरकास्ट की थी 4%। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसने फोरकास्ट की थी 4.5%, राइट। ऐसे आपको ग्रोथ रेट फोरकास्ट करनी बतानी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये माइनस में सारी की सारी याद रखिएगा, ओके क्लियर। समझ पाया यहाँ तक, ये तो थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, सारी की सारी आपके फाइनेंशियल एक्सप्रेशन में से मैंने निकाली है, ओके। समझ में आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे, आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। अगर आपने कल का वीडियो देखा है 100% इस क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे, राइट। मैंने कल के वीडियो में न्यूज के साथ क्वेश्चंस भी आपको बताए थे कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस आज आपके सामने लाया हूँ, प्लीज आंसर दीजिए। तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए आई होप आपने आंसर किया होगा। नेम द स्टेट विच हैज सेलिब्रेटेड जुलाई 8 रायतु दिनोत्सव फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस पर रायतु दिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है 8 ऑफ जुलाई को। कौन सा ऐसा राज्य है, राइट, एक किसानों के लिए एक दिवस बनाता है, तो वह स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैपिटल से अमरावती, राइट। अमरावती याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 8 जुलाई को रायतु दिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है किसान दिवस, जिसको आप कह सकते हैं, राइट। 8 जुलाई को किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था LIC असिस्टेंट मेंस में, राइट। रायतु भरोसा राइट ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, बिल्कुल डिटो क्वेश्चंस की। रायतु भरोसा कौन सा स्टेट की स्कीम्स है, तो रायतु भरोसा आंध्र प्रदेश की, रायतु बंधु आपकी तेलंगाना की, एंड रायतु दिनोत्सव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको किसान दिवस के रूप में 8 जुलाई को, ओके। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती होगी, आपकी विश्वभूषण हरिचंद्र गवर्नर, एंड नेक्स्ट आपका है आपका जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, राइट। नेघा नामक ऐप यहाँ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ही है। नाडू नेडू प्रोग्राम्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ही है, ओके।
पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपकी फर्स्ट है वो भी आंध्र प्रदेश में ही ओपन किया गया था, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। ओके, लगभग 1,088 एम्बुलेंसेज अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आप एक तरह से कह सकते हैं हरी झंडी दिखाई थी। क्लियर, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसकी कटिंग से देख लीजिए, एक ट्वीट हुआ था वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जहाँ की उनकी सरकार है उनकी तरफ से, रायतू दिनोत्सव 8 जुलाई को फार्मर्स डे के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इन ऑथर ऑफ द बुक महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड, राइट, यह पुस्तक के लेखक कौन है। माय डियरेस्ट प्रिंस, मैं रिसेंट यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग्स में जो जो अपन ने बुक्स पढ़ी थी सब कुछ मैं वहाँ पर डिस्कशंस करके आया हूँ, तभी कहता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जीके की वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। स्किप करके देखेंगे तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी आपकी मिस हो सकती है। ओके, तो ये इसके लेखक हैं, एक ही श्री कुमार और रूपा श्री कुमार, राइट, ये दोनों इसके राइटर हैं, एक ही श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। ओके, ये दोनों पति पत्नी हैं जो इसके राइटर हैं, महावीर द सिपाही, राइट, महावीर द सिपाही जो कभी नहीं मरा, राइट, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैंने बताया था 1962 में चाइना इंडो चाइना जो बैटल हुआ था उसमें इनका निधन हुआ था, लगभग 3 दिन तक इन्होंने चाइना से युद्ध किया था अकेले ही। ओके, ये देख लीजिए महावीर जसवंत सिंह के बेसिस पे ये पुस्तक है, जसवंत सिंह को महावीर चक्र दिया गया था, इसी के बेसिस पे इस पुस्तक का नाम महावीर रखा है। क्लियर, मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की सवारी के लिए किसे नियुक्त किया है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर्स किसको बनाए, मल्टी कार जो मल्टी ब्रांड लग्जरी कार है आपकी, मल्टी ब्रांड लग्जरी राइड जिसको आप कह सकते हैं, किसको इसका ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए हैं, तो दैट इज द सिंगर है सुखबीर सिंह, राइट, सुखबीर सिंह को सिंगर्स हैं जिनको लग्जरी कार लग्जरी राइड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों हस्बैंड वाइफ को विक्टस, राइट, विक्टस जो पाइप फिटिंग्स आती है, राइट, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स करीना कपूर और उसके उनके पति सैफ अली खान है। ओके, आलिया भट्ट वीको की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आलिया भट्ट वीको जो पेप्सोडेंट आता है, राइट, अलग अलग तरह की दवाइयां आती है वीको की, राइट, उनकी ब्रांड एम्बेसडर्स आलिया भट्ट है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी कटिंग्स देख लीजिए, ये है जो आपकी सुखबीर से। नेक्स्ट देखिए, सरकारी भूमि यानी कि विच बिकम द फर्स्ट स्टेट, कौन सा ऐसा भारत का पहला राज्य है टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफ गार्डिंग्स गवर्नमेंट लैंड्स, यानी कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, राइट, तो वह बन गया है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का पहला स्टेट्स बन गया है जो एक तरह से इंडियंस टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड्स, राइट, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स हैं माननीय प्रिंस नवीन पटनायक, राइट, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर्स, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल्स हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वह आपकी उड़ीसा में ही हुआ था, उसमें टॉप पोजीशंस पे रहा था, फर्स्ट पोजीशंस पे मडियर स्प्रिंट्स पंजाब, राइट, पंजाब टॉप पे रहा था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। नवीन पटनायक को पेटा की तरफ से, राइट, जो एनिमल्स अवार्ड होता है, राइट, उनको पेटा की तरफ से ये अवार्ड दिया गया था नवीन पटनायक को। क्लियर, चीज को नोट करते चलिए, नहीं कोई चीज समझ में आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ एडिशनल्स वो जो इनके लिए ही जो वीडियो को देखते हैं, जो पीडीएफ के लिए वेट करते हैं उनके लिए कुछ एडिशनल्स नहीं है, ओनली फॉर आपको क्वेश्चंस दे रखा होगा और एमसीक्यूज आपको पढ़ना होगा। ओके, सैयद इश्ताक अहमद जाफरी पॉपुलरली वह एक पॉपुलर क्या थे जिनका अभी निधन हो गया था,
जगदीप पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज वेटरन्स, एक यह एक्टर थे राइट। शोले फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की थी, यह एक अभिनेता थे हिंदी में कहें तो राइट। सैयद इश्ताक अहमद जाफरी जगदीप राइट, जिनको जगदीप के रूप में जाना जाता था ओके। तो यह एक अभिनेता थे। क्वेश्चन पहला ये बन गया, सेकेंड क्वेश्चन बनेगा ये कहाँ से थी, तो मध्य प्रदेश की दतिया से राइट, मध्य प्रदेश की दतिया से बिलोंग करते थे, इनका जन्म वहीं पर ही हुआ था ओके। पहला क्वेश्चन ये बन गया, सेकंड क्वेश्चन आपको इनका होम टाउन पूछ सकता है ओके। Who has won the Formula One season's opening Australian's Grand Prix 2020? Australian's Grand Prix 2020 के उद्घाटन का Formula One season किसने जीता था? तो वह जीता है my dear friends Valtteri Bottas right? ये इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर, एशिया का पहला और वर्ल्ड का सेकेंड राइट दूसरा सेंटर्स यूटा NM1 डेटा सेंटर्स वाज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट, कहाँ पर इसका स्थापना की गई है, कहाँ पर इसकी उद्घाटन हुआ है, एशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा, तो यह स्थापना की गई है माय डियर फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, बॉम्बे कैपिटल्स हैं राइट भगत कोश्यारी ओके। एंड देन वन मोर थिंग्स, महाराष्ट्र जैसे पीएम केयर फंड्स में सबसे ज़्यादा पैसा आने वाले स्टेट्स का नाम भी महाराष्ट्र है राइट। आपकी शिव भोजनालय राइट, शिव भोजनालय ये आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ज्योतिबा फूले राइट, ज्योतिबा फूले राइट, जो किसानों के लिए स्कीम्स हैं वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई स्कीम्स है, याद रखिएगा महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसने भी अभी महा जॉब्स पोर्टल्स की शुरुआत की है, जिसमें वहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके राइट, यूथ को रोजगार दे सके, तो इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट में ही महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए ओके। देखिए कर्नाटका के बारे में मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, रिसेंट न्यूज में रहा था। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा जी हैं राइट, एंड वज्जुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं राइट, बेंगलोर यहाँ की कैपिटल हो गई राइट। एंटेंस 18th of June को मास्क डे के बेसिस में ये बनाता है मास्क डे, यह भी आप याद रखिएगा मास्क डे ओके। एंड बुनकर सम्मान योजना राइट, बुनकर यानी कि वीवर सम्मान, बुनकर सम्मान जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, यह भी आपकी कर्नाटका स्टेट की है बुनकर सम्मान योजना ओके। बुनकर सम्मान योजना याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। तो यह भी आपकी कर्नाटका स्टेट की है ओके। वेस्ट बंगाल अभी रिसेंट में न्यूज रहा था सेल्फ स्कैन केम स्कैनर्स के बारे में, सेल्फ स्कैन जो ऐप लॉन्च किया है वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, यह भी आप याद रखिएगा ओके। निम्नलिखित में से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग डेग्नेटेटर्स विल बी डिलीवरिंग द इनॉग्रेशन एड्रेस एट इंडिया ग्लोबल स्पीक 2020, इंडिया जो ग्लोबल स्पीक है 2020 में उद्घाटन भाषण किसने दिया था, तो वह दिया था प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन 10 ही डिस्कशन करता हूँ, बट क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, हलवा टाइप क्वेश्चन एक भी आपको नहीं मिला होगा राइट, नहीं मिला है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यह भारत ग्लोबल स्पीक पे जो 2020 में उसमें उद्घाटन भाषण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था राइट। इसका मेन एक तरह से इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था माय डियर फ्रेंड्स राइट यूके में राइट, यूनाइटेड किंगडम्स जिसको इंग्लैंड एक तरह से कह सकते हैं, यूके में, यूके इसका ऑर्गेनाइजेशन था, यूके ने इसको उद्घाटन किया था राइट। ये एक तरह से 9th यानी कि कल की डेट है 9th of July से लेकर 11th of July तक ये पूरा का पूरा वीक चलेगा, इसमें इन्वेस्टर्स के माध्यम से पर्टिकुलर जो ग्लोबल्स के माध्यम से अलग अलग लीडर्स हैं उनसे बात होती है इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पर्पज पर राइट।
तो इसकी थीम भी रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, देख लीजिए, बी द रिवाइवल्स इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, राइट, बी द रिवाइवल्स इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। Which of the first major industrial countries that has announced to phase out coals and nuclear energy? भारत पहला प्रमुख औद्योगिक देश कौन सा है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वह स्टेट है जर्मनी, राइट, जर्मनी, जर्मनी पहला ऐसा एक तरह से कंट्री है जिसने औद्योगिक देशों में कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है, ओके। सैफ अली खान और करीना कपूर को किस चीज़ का प्राण विश्वास बनाया है? अभी मैं बता के आया था, राइट, जिसमें सुखवीर सिंह को जो लग्जरी कार है, राइट, लग्जरी, राइट, उनका प्राण विश्वास बनाया था, तो मैंने वहाँ पर बताया था। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, एक भी चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं, तो 100% क्वेश्चन मेरे अच्छे लेवल पर आपको बहुत लगेंगे, ओके। तो इसका आंसर है विक्टर्स इंडस्ट्रीज, जो पाइप्स एंड फिटिंग्स होती है ना, प्लास्टिक पाइप्स जो घरों में, उनकी कंपनी है विक्टर्स, राइट, उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं सैफ अली खान और करीना कपूर खान, राइट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्जरी, राइट, ये देख सकते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं सुखबीर सिंह, राइट, सुखबीर सिंह जो कि एक सिंगर है, राइट, गाना गाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चंस, आज का क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ, राइट, गियर्स एंड शू कैपिटल्स बनाई गई ग्रीस विंटर कैपिटल्स एक तरह से, राइट, ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल्स के बेसिस पे, इसको माय डियर फ्रेंड्स किस स्टेट्स ने बनाया है? हरियाणा, राजस्थान, असम एंड उत्तराखंड, प्लीज टेल मी आंसर्स, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें इसका आंसर्स क्या है, ओके, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, ओके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ कुछ भी मैं आप सीखे हैं, आपको लगा कि हाँ हम सीख पाए हैं, बेनिफिट्स हुआ है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपके लाइक एंड शेयर से मोटिवेशंस मिलता है, एकदम सीरियस बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलता है अच्छे क्वेश्चन, अच्छी न्यूज आपको देने के लिए, ओके। एंड सब्सक्राइब बटन पे अभी तक भी आपने क्लिक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहेंगे, ओके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं रिवाइड कर देता हूँ, पीडीएफ चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ पढ़ने के लिए रेडी हैं, बता दीजिएगा। न्यूज पेपर्स पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ यू एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ hit the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat, be healthy, be positive. Bahut bahut dhanyawad and namaskar.